वो सब लोग जो प्यार में पागल हो चुके हैं। ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। एक बार जंगल का सबसे खतरनाक जानवर स्वयं वनराज जब शिकार करने जाता है, उसकी नजर एक हिरनी पर पड़ती है। उसकी खूबसूरत चेहरे पर मासूमियत और उभरता डर देख शेर की आंखों से आंसू बह गए। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डराया ना जानता हूं, पर तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हिरनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आप जो बोलो सही, बस एक बार आप मेरी पापा से बात कर लेना। तो अगले ही दिन शेर तैयार होकर हिरनी के घर पहुंचता है। तभी हिरनी के पेरेंट्स शेर के पैरों में गिर के, राजा हम पर रहम करो, आपके खुखार दांत और नुकले पंजे हमारी बेटी की जान ले लेंगे। और उनको रोता देख शेर का दिल दुख से भर जाता है। दीवानगी में जब शेर अगले दिन हिरनी के घर पहुंचता है तो उसने अपने नुकले पंजे काट दिए थे और बेहद दर्द सह के अपने खूंखार दांत भी तोड़ दिए। और उसको इस हालत में देख तुरंत हिरनी के माता पिता ने अपने नुकले सींग से शेर के हाथ में आर पार कर दिए और अपनी बेटी को हमला बोल के आवाज लगाई। और वही हिरनी जिसके प्यार में शेर ने अपनी हैबानियत छोड़ दी, उसने अपने नुकले सींग से शेर के दिल में बार बार लगातार उतार कर उसकी जान ले ली। देखो, प्यार जरूर करना, लेकिन कभी भी प्यार में अपना वजूद मत खोना। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें।